चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से संबंधित मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम में अनोखा नज़ारा देखने को मिला। जहां छात्र छात्राएं मुख्य परीक्षा परिणाम में फेल हो गए हैं, वही चुनौती मूल्यांकन में पास हो गए हैं। इतना ही नहीं, वह पास ही नहीं हुए बल्कि उनके नंबर भी 2 से 3 गुने तक की बढ़ोतरी देखी गई है। जहाँ उनकी मुख्य परीक्षाओं में 15, 12, 13, 20, 22 नंबर थे, वही चुनौती मूल्यांकन के बाद उनके नंबर 50, 60, 70, 80 तक के पहुंच गए, जिससे कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के चुनौती मूल्यांकन और मूल्यांकन पर अब सवाल उठने लगे हैं। नितिश जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी देखा गया है कि PDS सहित अन्य जो मेडिकल की परीक्षाएं हैं उसमें चुनौती मूल्यांकन में तो छात्र छात्राएं पास हो गए जबकि वो फेल। सिर्फ BDS ही नहीं, ऐसे तमाम MBBS, BA, BEd, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी के जितने भी आप कोर्सों में उठा कर देख लो, मूल्यांकन में त्रुटियां इतनी पाई जा रही हैं इनके बीच में। जब BSc का मामला है, इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें से 90% बच्चे जो हैं पास हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के रिजल्ट में उन्हें फेल दिखाया गया है। और BDS तो बड़ा कोर्स है, ऐसे कोर्स में फीस ज़्यादा होती है, विश्वविद्यालय को बच्चे टैक्स ज़्यादा पे करते हैं, फीस ज़्यादा पे करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से इन बच्चों को नकार रहा है और अपनी साख बचाने के लिए चुनौती मूल्यांकन दे दिया। चुनौती मूल्यांकन में ज़्यादातर रिजल्ट आप देखोगे तो वो ऐसे आएंगे जिसमें विश्वविद्यालय को शर्मनाक फील करना पड़ रहा है, शर्मिंदा महसूस करना पड़ रहा है। तो क्या मूल्यांकन को लेकर शिक्षकों में ही ये देखा जा रहा है कि वो चेक कर नहीं पा रहे हैं? कई बार तो ऐसा सुना जा रहा है कि किसी विभाग का अध्यापक, किसी विभाग का प्रोफेसर वो दूसरे विभाग की कॉपियाँ चेक कर रहा है। ये विश्वविद्यालय की कमियाँ हैं, विश्वविद्यालय की ही खामियाँ हैं। सर, देखा जाए अभी BDS सहित अन्य परीक्षाओं का पुनः मूल्यांकन किया गया है, उसमें बड़ी संख्या में छात्रों के नंबर बढ़े हैं जबकि वो पहले फेल थे, क्या कहना चाहेंगे सर? ये पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था के अंतर्गत एक कॉपी की 2 स्कैंड कॉपी आती है, अर्थात एक विद्यार्थी को हम 2 परीक्षकों से उसका मूल्यांकन कराते हैं। इन दोनों परीक्षकों के बीच यदि पूर्णांक का 20% से अधिक का अंतर रहता है तो हम तीसरे परीक्षक से मूल्यांकन कराते हैं, और इन तीनों में से जिन 2 लोगों के अंक आसपास रहते हैं, नज़दीक होते हैं, तो उनका हम औसत अंक विद्यार्थी को प्रदान कर देते हैं। इसी व्यवस्था के अंतर्गत इन पुस्तिकाओं का भी मूल्यांकन कराया गया है। सर, हम एक विषय जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा जो वेबसाइट पर अपलोड की गई है सीट, उसमें बड़ा अंतर है, किसी के 15 नंबर थे तो उसके 60 नंबर हो गए। ऐसे में क्या विश्वविद्यालय इसकी जांच नहीं करता कि ऐसा क्या कारण है कि जहां पहले 15 नंबर थे अब 60 हो गए? जांच से अधिक महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था इस पर विचार करे, मूल्यांकन की जो व्यवस्था है, जो परंपरा चल रही है, उस पर गहराई से चिंतन करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे परीक्षकों की गुणवत्ता पर भी प्रश्न उठते हैं, तो उस पर भी चिंतन करना चाहिए।